अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यकीनन आप लोगों ने लेंथ नापने के लिए टेप्स और स्केल्स का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन किसी भी चीज़ की दुरुस्त पैमाइश हासिल करने के लिए या मेजर करने के लिए आज हम एक बहुत अच्छा और बहुत मुनफरिद इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के बैरूनी जॉज होते हैं जो किसी भी चीज़ का बैरूनी डायमीटर या चौड़ाई नापने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा अंदरूनी जॉज होते हैं जो किसी भी चीज के अंदरूनी डायमीटर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक तरफ वर्नियर स्केल मिलीमीटर के दसवें हिस्से या इंच की इकाइयों तक पैमाइश देता है, तो दूसरी तरफ दाई जानिब मौजूद डेप्थ प्रोब किसी भी चीज या सुराख की गहराई नापने के काम आता है। इसके अलावा रिटेनर हरकत करने वाले हिस्से को रोकता है ताकि पैमाइश करते हुए रीडिंग आसानी से ली जा सके। आज हम जिस चीज़ की पैमाइश करेंगे वो है एक सॉलिड सिलेंडर, और इसकी पैमाइश हम करेंगे वर्नियर कैलिपर की मदद से। सर, ये बताइए वर्नियर कैलिपर किस हद तक दुरुस्त हो सकता है, और क्या ये असली दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है? जी बिल्कुल दुरुस्त। वर्नियर कैलिपर मिलीमीटर के फ्रैक्शन की हद तक मेजरमेंट कर सकता है। हमारे यहाँ सनतों में वर्नियर कैलिपर ही इस्तेमाल होता है, जैसे कि मेटल इंजीनियरिंग या वुड वर्क में किसी भी चीज़ के छोटे से छोटे अंदरूनी और बैरूनी पैमाइश के लिए हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। अब तो इंडस्ट्रीज में डिजिटल कैलिपर इस्तेमाल हो रहा है। सर, मेरे भाई ज्वेलरी शॉप पे काम करते हैं, वो वहाँ पे वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। वो मुझे बता रहे थे कि वर्नियर कैलिपर के जॉज होते हैं शार्क की तरह। शार्क की तरह होते हैं, लेकिन वो शार्क की तरह काटते नहीं हैं। जी हाँ, इसके इंटरनल और एक्सटर्नल जॉज होते हैं, जिसको हम अंदरूनी और बैरूनी जॉज भी कहते हैं। ये उस चीज़ को मजबूती से पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट को एक जगह रोक के रखते हैं ताकि हम उसकी दुरुस्त पैमाइश हासिल कर सकें। हमारे पास इस वक्त वर्नियर कैलिपर मौजूद है। हम ये जानना चाहेंगे कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। अभी हम इस अपरेटस को इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ साथ एक सॉलिड सिलेंडर भी मौजूद है जिसका हम डायमीटर की पैमाइश करने लगे हैं। सर, क्या आप मुझे लीस्ट काउंट और जीरो एरर के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैंने ये अपनी प्रैक्टिकल की बुक में पढ़ा था, लेकिन मुझे सही से वाजे नहीं हुआ। जी बिल्कुल। मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन जो कि 1 मिलीमीटर है, उसको हम वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन जो कि हमारे पास 20 है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी लीस्ट काउंट। और हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही है 0.05 मिलीमीटर, या आप यूं भी कह सकते हैं 0.005 सेंटीमीटर। अच्छा, तो फरहत, अब हम इसके जॉज को आपस में मिला देंगे ताकि हम इसका जीरो एरर चेक कर सकें। ये देखिए, अगर हमारे स्केल में वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से मैच करता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके अपरेटस में कोई भी जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर ये लाइन मेन स्केल के लेफ्ट पे जाती है या राइट पे आती है, तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारे इस स्केल के अंदर जीरो एरर मौजूद है, जिसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर कह सकते हैं। सर, अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो की सीधी तरफ होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव जीरो एरर होगा। जी बिल्कुल। अगर आपका वर्नियर जीरो मेन स्केल के राइट साइड पे आ रहा है, इसका मतलब आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर है। तो हम क्या करेंगे, वर्नियर का जो फर्स्ट डिवीजन होगा जीरो के बाद, वो हमारे मेन स्केल के किसी फर्स्ट डिवीजन से मिलता हो, तो हम उसकी वैल्यू को लीस्ट काउंट से जो कि हमारे पास 0.05 मौजूद है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू आ जाएगी। अगर यही जीरो आपके लेफ्ट साइड पे आता है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा वर्नियर स्केल के जो 20 डिवीजन है जो कि टोटल डिवीजन है उससे हम इसको माइनस करके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर एग्जैक्ट आ जाएगा। और जीरो करेक्शन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ साइन को डाइवर्ट करना होता है। अगर हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है, तो हम उसका साइन चेंज करके नेगेटिव जीरो करेक्शन कर देते हैं। अगर नेगेटिव जीरो एरर है, तो हम उसका साइन चेंज करके हम उसको पॉजिटिव जीरो करेक्शन कर देते हैं।
पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो इसलिए वो नेगेटिव जीरो करेक्शन कहलाएगा, और अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो उसकी वैल्यू को हम ऐड करेंगे यानी कि प्लस करेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव जीरो करेक्शन कहलाएगा। चलें सर अभी से सिलेंडर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि मैं अपने भाई को भी बता सकूं कि मुझे भी वर्नियर कैलिपर यूज़ करना आता है और मुझे भी उस यूजर के शॉप पर पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है जहां वो काम करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो मोहसिन हम इसको जॉब्स को आपस में मिलाएंगे देखेंगे कि इसमें जीरो एरर है कि नहीं। हमारे पास जो ऑपरेटर्स है उसके अंदर दोनों जीरोस आपस में मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे ऑपरेटर्स में कोई भी जीरो एरर मौजूद नहीं है। अच्छा इमरान अब हम इसकी पहली रीडिंग लेंगे सिलेंडर को इस जॉब्स के दरमियान रख के, तो आप मेरी मदद करवाएं ताकि हम इसकी पहली रीडिंग आसानी से ले सकें। ओके सर। सिलेंडर को जॉस के दरमियान रखा और जॉस को आहिस्ता से बंद कर दिया और मेरे ख्याल से जॉस की ग्रिफ उस वक्त तक मजबूत करनी चाहिए जब तक ये सिलेंडर की दोनों साइडों को अच्छी तरह से ग्रिफ ना कर ले। जी मैं आपको इसका इस्तेमाल भी बता दूं कि इस सॉलिड सिलेंडर को हम वर्नियर कैलिपर के बीच में जॉस के बीच में इस तरह से रखेंगे और उसके बाद इस स्क्रू को हम टाइट कर देंगे ताकि इसके जॉज इसको आसानी से पकड़ सकें और इस सिलेंडर को ग्रिप कर सकें। देखा आपने? जी लेकिन हम इसके जॉज को इस हद तक कसेंगे कि इसके जॉज को नुकसान ना पहुंचे वरना हमारे ऑपरेटर्स के अंदर जीरो एरर आ सकता है। अच्छा अब हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग आ गई है 0.7 सेंटीमीटर्स। फरद आप मेरी जरा सी मदद कीजिए और ड्रॉज में से हमारा एक पैड और पेंसिल ले आए ताकि हम अपनी कैलकुलेशन आप सब लोगों को बता सकें आसानी से। थैंक यू। जी तो मैं आपसे ये कह रहा था कि फर्स्ट स्केल रीडिंग यानी कि फर्स्ट सिलेंडर रीडिंग जो हम स्केल पे देख रहे हैं वो हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर मौजूद है। जी तो हमने इसके जॉस के दरमियान ये सॉलिड सिलेंडर रख दिया और हमने पहली मेन स्केल की रीडिंग ली जो कि हमारा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है हमारी रीडिंग आई मेन स्केल की 0.7, इसको हम लिख लेते हैं अपने पास 0.7 सेंटीमीटर्स। ठीक है फिर हमें मालूम करना है एन की वैल्यू, स्मॉल एन जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एन से उसकी जो स्केल की रीडिंग है वो वर्नियर स्केल कहलाता है। वर्नियर स्केल का कोई ऐसा डिवीजन जो मेन स्केल के डिवीजन से एग्जैक्ट मैच कर रहा हो उसकी हम रीडिंग ले लेंगे। जी तो ये हमने हासिल किया 18, तो हमारी एन की वैल्यू आ गई 18। तो अब हमें मालूम करना है फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि एक्स का हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय लीज काउंट। एन हमारे पास आया 18, लीज काउंट हमारे पास आया 0.005। ठीक है अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 0.09। ठीक है अब हम क्या मालूम करेंगे, अब हमें मालूम करना है वाई की वैल्यू। वाई का हम फॉर्मूला लगाएंगे वाई इज इक्वल टू एम प्लस एक्स। एक्स हमारे पास आया 0.09 जिसको हम प्लस करेंगे m यानी कि 0.7 सेंटीमीटर जो हमारे पास आया था इसको आपस में प्लस करेंगे 0.7 प्लस 0.09। तो हमारे पास जो आया वो ऑब्जर्व वैल्यू है 0.79। क्योंकि हमने ये फॉर्मूला यूज किया ये जो ऑपरेटर्स यूज किया ये जो प्रैक्टिकल का मकसद था वो मकसद ये था कि हम इस सिलेंडर का डायमीटर मालूम कर सकें तो हम इसलिए डायमीटर का एक फार्मूला लगाएंगे जो कि है y प्लस या माइनस जीरो करेक्शन। ठीक है जी वही बात कि अगर प्लस है तो हम उसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो जीरो नेगेटिव जीरो करेक्शन कहलाता है और अगर नेगेटिव है तो हम उसमें प्लस करते हैं ताकि वो पॉजिटिव जीरो करेक्शन कहलाए। तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो आई 0.79। ठीक है जिसको हम प्लस या माइनस कर रहे हैं हमारे जीरो करेक्शन से क्योंकि हमारे ऑपरेटर्स के अंदर कोई भी जीरो एरर नहीं तो इसलिए हमें जीरो को जीरो ही लिखना पड़ेगा। तो हमारी एक्चुअल वैल्यू जो हमारे डायमीटर की आई वो 0.79 आ गई। तो ये हमारी पहली रीडिंग थी।
सर मुझे एक बात बताएं, हम इसकी रीडिंग एक से ज्यादा बार भी निकालते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा हम एरर से बचने के लिए करते हैं, और एक से ज्यादा दफा जब हम ये लेते हैं इससे हमारा एवरेज आराम से निकल आ सकता है। बिल्कुल सही। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे। पहली वैल्यू हमारी थी 0.79, दूसरी वैल्यू हमारे पास थी 0.785 और तीसरी वैल्यू हमारे पास आई थी 0.78। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई है 0.785, जो कि हमारा टी कहलाएगा, यानी कि एवरेज डायमीटर या मीन डायमीटर आप कह सकते हैं। हमारे पास आ गया 0.785। अब हम क्या करेंगे, अब हम रेडियस मालूम करेंगे। जी हाँ, रेडियस निकालने का फॉर्मूला होगा डी डिवाइडेड बाय 2। डी क्या हमारे पास आया 0.785, इसको हम 0.785 को डिवाइड करेंगे 2 से, हमारे पास वैल्यू आ गई 0.3925। जी ये हमारे पास आ गया रेडियस। अब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू मालूम करेंगे। जी एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर रेडियस है और पाई की पाई इज इक्वल टू 3.14। कंडक्ट में चलिए वर्निंग सर, पाई ये खाने वाला पाई नहीं है, ये असली पाई नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा अब इसकी कैलकुलेशन कौन करेगा? फरहत। सर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगी 0.4842 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात आपको और बता दूं कि इसका जो फॉर्मूला इन्होंने बताया हमें मोहसिन ने, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा रेडियस आया था आर स्क्वायर का मतलब ये है कि जो आर की जो भी वैल्यू आपके पास आएगी उसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि उसी वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको पाई से पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाज़े तौर पे आपके सामने आ जाएगा। जी कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? बिल्कुल सर, ये जो हम कर रहे हैं सब कुछ, इसमें कुछ अहम बातें हैं जो याद रखनी पड़ती हैं? बिल्कुल सही, हमें बहुत सी ऐसी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि जिस सिलेंडर का आप मेजरमेंट ले रहे हैं उसकी लेंथ यूनिफॉर्म होनी चाहिए, लेकिन अगर उसकी लेंथ हमवार नहीं है तो आप जो वर्नियर कैलिपर के एक्सटर्नल जॉज हैं उनको 3 मुख्तलिफ हिस्सों पर रख के जब मेजरमेंट लेंगे तो आपकी मेजरमेंट डिफरेंट आएगी, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपने किस सरफेस पर रख के मेजरमेंट ली है। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी चीज़ का यानी किसी ऐसी चीज़ का इंटरनल या इनर डायमीटर मालूम करना चाहते हैं, जैसे कि बीकर हो गया या कोई भी ऐसा पाइप हो गया आयरन का या प्लास्टिक का, तो आप उसके इंटरनल जॉज इस्तेमाल करेंगे और उससे उसका इंटरनल डायमीटर मालूम करेंगे। इसके अलावा बाकी तमाम कवानीन वैसे के वैसे ही होंगे जिसको आप फॉलो करेंगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हम इजाज़त लेने से पहले आपको आखिरी बात बताएंगे कि अपने अपरेटस को इस्तेमाल के बाद इसको सही से इसके बॉक्स के अंदर रख दें, ताकि आपका अपरेटस नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल होने के भी काबिल रहे। आज के प्रैक्टिकल में हमने वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करते हुए सॉलिड सिलेंडर के डायमीटर की पैमाइश की, ताकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट किया जा सके। इसके लिए हमने सॉलिड सिलेंडर को वर्नियर कैलिपर्स के जॉज के दरमियान रखकर मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग्स ली और a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए सॉलिड सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम स्टूडेंट्स का जो हमारे साथ हैं और जो हमारे पास हैं। अब जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे नेक्स्ट टाइम, उसमें हम सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करेंगे और देखेंगे कि उस अपरेटस के साथ और उस नए प्रैक्टिकल के साथ हम और आप किस तरह से उसको हल करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने वर्नियर कैलिपर के इस्तेमाल से एक एक्सपेरिमेंट पहले ही कर लिया है, जिसमें हमने एक सॉलिड सिलेंडर के डायमीटर को मालूम किया, यानी कि उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मालूम किया। लेकिन अब एक बार फिर हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करेंगे और एक सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर और लेंथ की पैमाइश करेंगे, ताकि हमें उसका वॉल्यूम पता लग सके। आगाज करने से पहले हम वर्नियर कैलिपर के अहम हिस्सों का जायजा लेंगे, आइए। वर्नियर कैलिपर के बैरूनी जॉज होते हैं, जो किसी भी चीज का बैरूनी डायमीटर या चौड़ाई नापने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा अंदरूनी जॉज होते हैं, जो किसी भी चीज के अंदरूनी डायमीटर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक तरफ वर्नियर स्केल मिलीमीटर के दसवें हिस्से या इंच की इकाइयों तक पैमाइश देता है, तो दूसरी तरफ दाएं जानिब मौजूद डेप्थ प्रोब किसी भी चीज या सुराख की गहराई नापने के काम आता है। इसके अलावा रिटेनर हरकत करने वाले हिस्से को रोकता है, ताकि पैमाइश करते हुए रीडिंग आसानी से ली जा सके। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जहनों में इसका रिवीजन हो गया होगा। जो कुछ हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था, आइए हम उसको दोहराते हैं। जी इमरान, सबसे पहले मेन स्केल पर मौजूद डिवीजन की सबसे छोटी वैल्यू को वर्नियर स्केल पर मौजूद डिवीजन की कुल तादाद से डिवाइड करें। इस तरह इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कैलकुलेट हो जाएगा। हमारे वर्नियर कैलिपर के लिए लीस्ट काउंट 0.05 मिलीमीटर या 0.005 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो जीरो एरर क्या होता है और जीरो करेक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है? जी इमरान, आप बताइए। अगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से नहीं मिलता, तो हमें मालूम हो जाता है कि इसमें जीरो एरर है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से के राइट हैंड साइड पे होता है, मतलब दाएं तरफ होता है, तो इसमें पॉजिटिव एरर होता है, और अगर बाएं तरफ होता है तो ये नेगेटिव एरर होता है। दोनों ही केसेस में जीरो एरर निकालने के लिए लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर पॉजिटिव एरर निकालना हो, तो हम वो डिवीजन वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल से मैच कर रहा हो, उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर नेगेटिव है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम वो डिवीजन जो वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मैच हो रहा हो, उस डिवीजन को हम टोटल डिवीजन से माइनस करके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है इमरान जी। मौसम, जीरो करेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सर, आपने किस तरह मेरे लिए सबसे आसान सवाल छोड़ दिया। मुझे भी उतना ही आता है जितना फरहत और इमरान को आता है। बाय द वे, जीरो करेक्शन जो है वो जीरो एरर का उलट साइन है। पॉजिटिव जीरो एरर के लिए हम नेगेटिव जीरो करेक्शन करेंगे, और नेगेटिव जीरो एरर के लिए हम पॉजिटिव जीरो करेक्शन करेंगे। मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि आप लोगों को जीरो एरर करेक्शन का कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गया है। थैंक यू। अब हम इस सॉलिड सिलेंडर की पैमाइश करेंगे इस अपरेटस से, जो कि हमारे पास मौजूद है, वर्नियर कैलिपर। और सर, इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.05 mm है, 0.0 नहीं सर। जी बिल्कुल, हम इस फिगर को अपनी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इस सॉलिड सिलेंडर के डायमीटर और लेंथ की रीडिंग्स को निकाल के उसको नोट करते जाएंगे। आप में से हर कोई इस रीडिंग को बारी बारी लेगा, ठीक है, और हम साथ साथ उस रीडिंग को नोट भी करते जाएंगे। इस बात का ख्याल रहे कि आप इन जॉज को ज्यादा ना कसें, वरना आपके दोनों जॉज डैमेज हो सकते हैं। तो हम पहली रीडिंग इमरान आपकी मदद से लेंगे। काइंडली देखिएगा जरा कि क्या रीडिंग आ रही है। साथ साथ हम इस रीडिंग को नोट भी करते जाएंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशंस में कोई दिक्कत पेश ना आए। सर, इसकी मेन स्केल रीडिंग आ रही है 2.5 सेंटीमीटर। दिखाइए। ये थोड़ा लूज हो गया है। ओके, मैं आपको एक बार फिर इसके लगाने का तरीका बता दूं। देखें, इसके स्क्रू को लूज करके आप इसकी लेंथ मालूम करने के लिए इसको लेंथ वाइज इस जॉज में रख के इसको टाइट कर देंगे। फिर आप अपनी रीडिंग्स को चेक करेंगे कि आपकी रीडिंग्स क्या आ रही है। सर, मेन स्केल की मैंने आपको बता दी है, वर्नियर स्केल की आ रही है 8। ओके, मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आ रही है 2.5।
जो कि हमने नोट कर लिए। फिर सेकेंड रीडिंग हमारे पास है वर्नियर स्केल की, जो कि एन से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसकी कैलकुलेशन है 8। इसकी जो रीडिंग हमारे पास आई वो 8 आई है, हमने इसको भी नोट कर लिया। अब हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे। इमरान आपको गालिबन पता होगा जी, x जो हमें मालूम करना है, x equals to m into lc, lc least count equals to 0.005 सेंटीमीटर। बिल्कुल, बहुत बहुत जबरदस्त। x मालूम करने के लिए हम n की वैल्यू जो हमारे पास 8 आई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने लीस्ट काउंट से, जो कि 0.005 है। अच्छा, हम n की रीडिंग जो कि 8 आई है इसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, हमारे पास 0.005 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट की वैल्यू है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 0.04 सेंटीमीटर है। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे मोहसिन? अब इसका ऑब्जर्विंग वॉल्यूम मालूम करेंगे। इसका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू x m प्लस m प्लस x। बिल्कुल सही। अब हम वैल्यू मालूम करेंगे जो कि हमारे पास y इज इक्वल टू m प्लस x है। अच्छा फरद, हमारे पास m की वैल्यू क्या थी? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर को हम प्लस कर देते हैं x की वैल्यू जो कि हमारे पास आई थी 0.04। इनको आपस में प्लस करते हैं तो हमारी वैल्यू आ गई 2.54, जो कि ऑब्जर्व वैल्यू है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि इसका लेंथ मालूम कर रहे हैं तो हम इसके अंदर लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे। लेंथ का फॉर्मूला बेसिकली नहीं, ये एक हमारे पास एक वे है जिसके अंदर हम डायमीटर या लेंथ की वैल्यू को, एग्जैक्ट वैल्यू को मालूम करते हैं। तो लेंथ की जो वैल्यू है उसको मालूम करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाएगा? एल जो हमारे लेंथ है इक्वल्स टू वाई प्लस माइनस जीरो एरर। ठीक है, जीरो करेक्शन होगा, एक बार आपको फिर बता दूं, जीरो एरर नहीं, जीरो करेक्शन, क्योंकि उसमें हमें प्लस को माइनस या माइनस को प्लस करना होगा, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, L1, L2 और L3 की जो भी वैल्यूज आएंगे हम उनको काउंट करेंगे। पहली L1 की रीडिंग हमारे पास आ गई 2.54 सेंटीमीटर। दूसरी रीडिंग L2 की, यानी के हमारे पास आ गई 2.535 सेंटीमीटर। और तीसरी रीडिंग हमारे पास आ गई 2.53 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, मीन लेंथ निकालने के लिए, या आप इसको कह सकते हैं एवरेज लेंथ निकालने के लिए, L को इज इक्वल टू करेंगे L1 प्लस L2 और प्लस L3। इन तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे हम, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। बिल्कुल ठीक इमरान, और डिवाइड बाय 3 कर देंगे जिस तरह हमने पिछले प्रैक्टिकल में किया था डायमीटर के लिए। तो हमारे पास आ गया 2.535 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि डायमीटर निकालेंगे। हमारे पास बेसिक जो है लेंथ की कैलकुलेशन या लेंथ की जो रीडिंग है वो हमारे पास आ गई 2.535 सेंटीमीटर। मींस हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई, अब हम डायमीटर निकालेंगे। बिल्कुल इमरान, आपने ठीक कहा। अब हम डायमीटर की तरफ आएंगे। उसी तरीके का प्रोसीजर है जिस तरह का हमने पिछले प्रैक्टिकल में किया। हम इस सॉलिड सिलेंडर को इस अपरेटस के ठीक बीच में इस तरह से रखेंगे और इसको यहां से स्क्रू को टाइट कर देंगे। अब हमारे पास जो रीडिंग आएगी, मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या आ रही है, 0.07। ठीक है, पहली रीडिंग हमारे पास आ गई 0.7। हम इसको साथ साथ लिखते जाते हैं 0.7। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे n मालूम करने के लिए, 18 वर्नियर स्केल पे इसका 18% वर्नियर स्केल का रीडिंग जो आ रही है, यानी कि स्मॉल n की रीडिंग 18 आ रही है, हमने 18 लिख लिया। उसी तरीके से हम x इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय लीज काउंट। अच्छा, लीज काउंट हमारा कितना था? 0.00 नो,
0.0055. इस बार आप लोग इंटेलिजेंट हो गए और आप थोड़ी सी वीक पड़ गई. एक बात याद रखिएगा, प्रैक्टिकल करते वक्त जहन को बिल्कुल हाजिर रखिए, क्योंकि इस पे अगर मिलीमीटर की भी गलती हो गई तो आपका पूरा प्रैक्टिकल जो है वो आपको नए सिरे से करना पड़ेगा. ठीक है? तो हमारी जो पहली रीडिंग थी n मल्टीप्लाई बाय एल सी यानी कि लीस्ट काउंट से, वो हमारे पास आ गई है 0.09 सेंटीमीटर. ठीक है जी. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, y मालूम करेंगे. y मालूम करने के लिए हम m इज इक्वल टू y equals to m plus x करेंगे. बिल्कुल ठीक आपने कहा. तो y यानी कि m की हमारी वैल्यू है 0.7, जिसको हम प्लस कर रहे हैं 0.09 से, तो हमारे पास पहली रीडिंग आ गई जो ऑब्जर्व वैल्यू है 0.79. बिल्कुल आपने सही कहा, 0.79 सेंटीमीटर. बिल्कुल आपने ठीक कहा. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम अपनी सेकेंड वैल्यू निकालेंगे. मैं बताऊं सर? जी बिल्कुल सर. एज आई ऑब्जर्व कि सर लास्ट लेंथ वाले में भी हमारी मेन स्केल रीडिंग सारी सेम रही है, 2.5 2.5 2.5. ऐसे इसमें भी मेरे ख्याल से 0.7 ऐसे फर्स्ट में आई है, तो हम अगर चेक करें तो सेम रहेंगी शायद ये. बिल्कुल वो सही रहेंगी, लेकिन ऐसा होता है कभी कभार कि आपका जो है वो ऑपरेटर्स खराब होने की वजह से अगर उसमें जीरो एरर हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो हमें चेक कर लेना चाहिए. बिल्कुल, बाज दफ़ा आपका जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसकी सतह सरफेस नहीं होती इतनी हमवार नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी रीडिंग्स जो है वो डिफरेंट भी आ सकती है. अच्छा जी, हम क्योंकि डायमीटर मालूम कर रहे हैं सॉलिड सिलेंडर का, तो हम इसको d इज इक्वल टू y प्लस माइनस जीरो करेक्शन करेंगे. हमारे पास जीरो तो है ही नहीं एरर, अगर होता तो हम थोड़ी और मेहनत करते, लेकिन चूंकि हमारे पास जीरो एरर नहीं है तो हम जो y की वैल्यू आई है उसको इज इक्वल टू d कर देंगे, तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी पहली वैल्यू. हो जाएंगे हमारे पास बिल्कुल पहली वैल्यू हमारे पास डी वन 0.79 सेंटीमीटर. तो हमें एवरेज डायमीटर या मीन डायमीटर निकालने के लिए D1, D2 और D3 को प्लस करना होगा, उसके बाद हम उसको 3 से डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास आ रही है 0.785 सेंटीमीटर, वो हमारे पास आ गई D की वैल्यू. फिर हम लगाएंगे रेडियस का फार्मूला. रेडियस का फार्मूला क्या है मोहसिन? रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन टू. डी अपॉन टू, ओके. यानी कि डी में हम वो वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने तीनों डायमीटर की वैल्यूज को 3 से डिवाइड करने के बाद हासिल की थी, 0.785 सेंटीमीटर. ठीक है, उसको हम डिवाइडेड बाय कर रहे हैं 2, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है रेडियस की वैल्यू 0.3925 सेंटीमीटर. ठीक है जी. अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. जी मोहसिन, आप मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करने का तरीका बताएंगे? जी, इसका फॉर्मूला है पाई आर क्यूब, है ना. मेरे पास एक खास किस्म का कैलकुलेटर है जिसमें वॉल्यूम्स के फंक्शन हैं, मैं इससे जवाब निकाल के बता सकता हूँ. नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा. हमें खुद भी फार्मूला पता होना चाहिए ताकि हम कैलकुलेटर से भी ज्यादा अच्छी रीडिंग निकाल सकें. ठीक है, तो हमारा जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो होगा पाई आर स्क्वायर एल, यानी के पाई की वैल्यू को हम रेडियस की वैल्यू को स्क्वायर लेके उससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, एल की वैल्यू से. अच्छा जी, फरहत आप कैलकुलेट करके अगर बताएं तो हमारे लिए और आसानी हो जाएगी. सर इसका आंसर है 1.227 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है. अच्छा, आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस वर्नियर कैलिपर से इस सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर जो है और इसका वॉल्यूम जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया. कोई मुझे ये बता सकता है कि एक नॉर्मल स्केल से एक क्रिकेट बॉल को नाप के उसकी पैमाइश करके क्या हम दुरुस्त पैमाइश हासिल कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है. इम्पॉसिबल नहीं सर, उसकी बॉल बार बार फिसल जाएगी. बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें बॉल को एक जगह रखने के लिए हमें इस वर्नियर कैलिपर के जॉज को इस्तेमाल करना होगा. बॉल की सही पैमाइश लेने के लिए हमें उसको वर्नियर कैलिपर के जॉज में स्टक करना होगा ताकि वो सही से उसकी पैमाइश ले सके. इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि
के वर्नियर कैलिपर मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक की पैमाइश कर सकता है, और मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी है कि आप लोगों ने हमारे साथ रह के और हमारे स्पेक्टिकल को ज्वाइन करके वर्नियर कैलिपर का सही और दुरुस्त मेजरमेंट करना सीख लिया है। इसके साथ साथ मैं आपको यही बताता चलूं कि सेफ्टी प्रिकॉशन इज मस्ट, अपने अपरेटस को उसी तरीके से इस बॉक्स के अंदर सेफली रख दें ताकि ये डैमेज ना हो और किसी को नुकसान भी ना पहुंचाए। आज के प्रैक्टिकल में हमने वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करते हुए सॉलिड सिलेंडर के लेंथ और डायमीटर की पैमाइश की ताकि उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सके। इसके लिए हमने सॉलिड सिलेंडर को वर्नियर कैलिपर्स के जॉज के दरमियान रखकर मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग्स ली और V=πr²L का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम किया। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। तमाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि अगली बार भी प्रैक्टिकल में मौजूद होंगे इंशाल्लाह, और ध्यान से इस प्रैक्टिकल को तवज्जो से सुनेंगे भी और परफॉर्म भी करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। हम पहले ही नहायत कम फासलों को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर चुके हैं जिसे हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं। जब इंतहाई कम फासलों को नापना हो तो एक मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम स्क्रू गेज कहते हैं। आज हम तार की मोटाई या डायमीटर नापने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। सर, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर के मुकाबले किस हद तक दुरुस्त नताइज पेश कर सकता है? वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक नापता है जबकि स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक नाप सकता है। इस तरह स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा दुरुस्त नताइज देता है। सर, सबसे पहला माइक्रोमीटर स्क्रू गेज 17वीं सदी में विलियम गैस्कोलाइन ने वर्नियर कैलिपर की बेहतर शक्ल के तौर पर ईजाद किया। मेरे ख्याल में ये स्क्रू और नट की तरह काम करता है। सही, ये एक स्क्रू की तरह काम करता है। जब भी स्क्रू को एक मुकम्मल चक्कर दिया जाता है तो मेन स्केल पर जितना फासला तय होता है उसे 1 पिच लेंथ कहते हैं, और आमतौर पर ये सर्कुलर स्केल के 50 डिविजन्स के लिए 0.5 मिलीमीटर होता है। 0.5 मिलीमीटर? सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 100 रुपए के नोट की भी बिल्कुल दुरुस्त मोटाई नाप सकते हैं। इमरान, क्या तुम मुझे 100 रुपए दोगे? हम तुम्हारे पैसों को एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करेंगे। फायजा, हमें इमरान के 100 रुपए के नोट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि स्क्रू गेज को बहुत छोटे फासले और बहुत छोटी चीजों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को आमतौर पर धाती चादरों और तारों की मोटाई नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनका मैयार जांचा जा सके। आइए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लेते हैं। स्क्रू गेज के 2 स्केल होते हैं, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। स्लीव अपनी जगह पर रहने वाला एक गोल हिस्सा होता है जिस पर लीनियर स्केल मौजूद होता है। थिम्बल स्लीव के पिछले हिस्से पर मौजूद वो हिस्सा है जिसे हम अंगूठे की मदद से घुमाते हैं। रैचेट सबसे आखिरी सिरे पर मौजूद होता है और ये मुमकिना दबाव को एक हद में रखता है। स्पिंडल एक चमकीले सिलेंडर की तरह होता है जो एनविल की जानिब हरकत करता है। एनविल के साथ इस चीज को रखा जाता है जिसकी पैमाइश की जा रही हो, और आखिर में डेटम लाइन स्लीव पर मौजूद एक सीधी लाइन होती है। सर, अब मुझे समझ में आया कि पिचलेंथ का मकसद क्या है। ये मेन स्केल पर वो फासला है जो हम सर्कुलर स्केल की एक मुकम्मल रोटेशन से हासिल करते हैं। हम इसे लीस्ट काउंट का हिसाब लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए पिच को सर्कुलर स्केल पर मौजूद डिवीजन की कुल तादाद से सिर्फ डिवाइड करना पड़ता है। जबरदस्त किरत। चले आज हम एक तार की मोटाई या डायमीटर की पैमाइश के लिए स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होगी उसमें जाहिर है हमें सिर्फ
स्क्रू गेज और एक धाती तार की जरूरत होगी। सर हमारी किताब में किसी जीरो एरर का जिक्र किया गया है, तो क्या इसका ये मतलब है कि जब भी हम स्क्रू गेज से रीडिंग ले रहे हो तो कभी भी गलती ना करें? अगर इम्तिहान में भी मेरा जीरो एरर हो तो क्या बात है? जीरो एरर वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने वर्नियर कैलिपर वाले एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। जीरो एरर की पैमाइश की मदद से रीडिंग की करेक्शन की जा सकती है। फर्ज करें अगर सर्कुलर स्केल का जीरो डैटम लाइन के बिल्कुल सामने हो तो इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर मौजूद नहीं। ओके सर, सर ये बताइए पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है और इससे हमारी पैमाइश पर क्या फर्क पड़ सकता है? मेरे ख्याल में इस बारे में है कि हम एरर्स के बारे में मनफी तरीके से सोचने और उदास होने के बजाय मजबूत तरीके से सोचें और खुश रहें। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर ये नफ्सियात की क्लास होती तो शायद ऐसा ही होता। लेकिन असल में इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर तब होता है जब सर्कुलर स्केल का जीरो डेटम लाइन से नीचे हो। हमें यह गिनना होता है कि सर्कुलर स्केल का जीरो कितने डिविजन्स नीचे है। इसी तरह अगर सर्कुलर स्केल का जीरो डेटम लाइन से ऊपर हो तो इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव जीरो एरर होता है। इमरान आप बताएं पॉजिटिव जीरो एरर कैसे मालूम करते हैं? सर जितना मेरे इल्म है तो इसे मालूम करने के लिए हम ये देखते हैं कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन डेटम लाइन से कॉइंसाइड कर रहा है। इस डिवीजन को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव जीरो एरर निकाल सकते हैं। किरत, क्या नेगेटिव जीरो एरर भी ऐसे ही मालूम किया जाता है? नहीं सर, इसके लिए कॉइंसाइडिंग डिवीजन से टोटल डिवीजन 50 को माइनस कर देते हैं और हासिल करदा नंबर को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव जीरो एरर आ जाता है। वाह, अब मुझे समझ आ गया। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी होगी कि सर्कुलर स्केल का जीरो डेटम लाइन के किस तरफ है। चलें देखते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर है कि नहीं। हम रैचेट को घुमाकर एनविल और स्पिंडल को मिला देंगे और तब तक घुमाते रहेंगे जब तक कि ये फ्री होकर क्लिक ना करें। इमरान ये स्क्रू गेज देखना, क्या सर्कुलर स्केल का जीरो डैटम लाइन के ऊपर है या नीचे? देखता हूँ सर, यहाँ सर्कुलर स्केल का जीरो डैटम लाइन के जीरो के बिल्कुल सामने है। इसका मतलब ये है कि इस स्क्रू गेज में जीरो एरर नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा इमरान, लेकिन अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर होता तो हमें उसको दुरुस्त करने की जरूरत होती। पॉजिटिव जीरो एरर की जीरो करेक्शन नेगेटिव होती है और नेगेटिव जीरो एरर की जीरो करेक्शन पॉजिटिव होती है। उसकी वजह यह है कि पॉजिटिव जीरो एरर में हमारी पैमाइश उस पैमाइश से ज्यादा होती है जो असल में होनी चाहिए, लिहाजा एरर की मकदार के मुताबिक उसमें कमी करनी पड़ती है। इसी तरह नेगेटिव जीरो एरर में इसका उलट करना पड़ता है। अब स्क्रू को घुमाते हुए स्पिंडल और एनविल को खोल दें, फिर मेटल वायर को स्पिंडल और एनविल के बीच में रखें और थैचेट के जरिए इसको घुमाते जाएं यहां तक के क्लिक की आवाज आने लगे। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि स्क्रू गेज के जॉस पर ज्यादा दबाव ना पड़े, वैसे रैचेट भी दबाव पड़ने से रोकता है। सर अगर मैं मेटल वायर को मोड़ दूं तो क्या होगा? क्या हम फिर भी इसकी पैमाइश कर सकेंगे? प्लीज फाइजा, इसे मोड़ना मत। मेटल वायर का सीधा होना बहुत जरूरी होता है। वायर की ऐसी जगह से पैमाइश करना जहां से वो मुड़ी हुई हो या टेढ़ी मेढ़ी हो काफी मुश्किल होता है और पैमाइश में भी गलती होती है। चले आए मेन स्केल पर रीडिंग्स चेक करते हैं। हम मेन स्केल की रीडिंग एम लेंगे जो सर्कुलर स्केल के स्लीव से जरा पहले या नीचे की जानेब है। अब सर्कुलर स्केल के उस डिवीजन को नोट करेंगे जो डेटम लाइंस के सामने है, फिर उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फ्रैक्शनल वैल्यू या एक्स को कैलकुलेट करेंगे। वायर की मोटाई जानने के लिए एक्स और एम को ऐड करेंगे और फिर वायर की दुरुस्त वैल्यू को जानने के लिए उसमें जीरो एरर करेक्शन ऐड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं अब मुख्तलिफ जगहों से वायर का डायमीटर मालूम करके ऑब्जर्वेशन टेबल को मुकम्मल करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है, जीरो एरर मौजूद नहीं है हमारे इंस्ट्रूमेंट में, लिहाजा जीरो करेक्शन की जरूरत नहीं। अब मेन स्केल पे रीडिंग 1.5 मिलीमीटर आ रही है। सर्कुलर स्केल पे डिवीजन जो कि डेटम लाइन के सामने है 40 है। अब इस डिवीजन को जो कि 40 है लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास 0.40 मिलीमीटर आता है। हमारी मेन स्केल की रीडिंग M 1.5 मिलीमीटर आ रही है, लिहाजा हमारी वायर की चौड़ाई Y इज इक्वल टू एम प्लस एक्स होगी, यानी के 1.50 मिलीमीटर प्लस 0.40 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1.90 मिलीमीटर। ये हमारी वायर की चौड़ाई है। चूंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर मौजूद नहीं, लिहाजा करेक्टेड डायमीटर D इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस जेड सी भी 1.90 मिलीमीटर के बराबर होगा। फाइजा, अब इन तीनों रीडिंग्स का आप औसत निकालें, जो हमारी तार की मोटाई का औसत होगा। सर, हमारा जवाब 1.90 mm है। तो हमारी तार की मोटाई 1.90 मिलीमीटर है। आज के प्रैक्टिकल में हमने स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हुए मेटल स्ट्रिप की मोटाई की पैमाइश की। पहले हमने एनविल और स्पिंडल को खोला और जॉस के दरमियान मेटल स्ट्रिप रखकर इसकी गिरफ्त रैचेट से आहिस्ता आहिस्ता मजबूत की। मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल के डिविजन्स नोट की और डी इक्वल्स टू वाई प्लस जेड सी के फॉर्मूले के जरिए मेटल स्ट्रिप की मोटाई मालूम की। स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत शुक्रिया। हम पैमाइश पे मजीद एक्सपेरिमेंट्स बहुत जल्द करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।